गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? शालिनी मिश्रा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये संडे है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैंने पिया है अजवाइन जीरा पानी और आरू का चल रहा है एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आरू की को पापा पढ़ा रहे हैं आज उठते से ही। और लड्डू यहाँ पे कर रहे हैं मम्मा का वेट, क्योंकि मम्मा कुछ काम कर रही है ना। हेलो हेलो कर दो। यस। अरे यहाँ पे प्रिया एप्पल शेक बना रही है और मैं बना रही हूँ मेरे नाश्ते के लिए आज ये है वेज टिक्की, जिसमें रेड रेडिस लिया है क्योंकि इसमें चुकंदर भी डाला है। तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ से मैंने शिमला, गाजर, ओट्स, सारी चीज़ें डाल के बनाई है। बहुत हेल्दी है तो ये बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग खा सकते हैं। तो वैसे भी हमारा डाइटिंग चल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट में ये बना लिया जाए। और लंच के लिए हमने भिगो दिया है राजमा, यहाँ बन रही है चाय, यहाँ पे दूध गर्म किया है। तो चलिए आज का ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग होने वाला है। ये ब्रेकफास्ट में हम लड्डू को क्या दे रहे हैं, एप्पल है, मिल्क है और ये ओट्स है। और इसकी हम एक अच्छे से स्मूदी बना के लड्डू को देंगे खाने के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा और डाल लो। लड्डू यहाँ उतर गया है नीचे, उसको चैन नहीं पड़ रहा है। पैंट कहाँ गई लड्डू तुम्हारी? आज का हमारा ब्रेकफास्ट और मैं हस्बैंड को दिखाने जा रही हूँ, अब ये बताएंगे कैसा लग रहा है। वेज टिक्की है, पूरा चुकंदर वगैरह सब डाल के, गाजर चुकंदर सब डाल के बनाई हूँ। मैं सोचा हेल्दी भी है और आज थोड़ा सा अलग टेस्ट भी रहे। खा के बताओ कैसा है। लड्डू को भी थोड़ा खिलाना। खुशी देखो उसकी। अरे चटनी किसकी है? दही है, दही। लड्डू के लिए कुछ स्पेशल बनाया है, आ जाओ लड्डू। हेल्दी प्लस टेस्टी है। टेस्टी है ना? मुझे भी खाना है। ठीक है, मैं अभी और भी बना रही हूँ। लड्डू जो है ना आरू को बहुत परेशान करता है पढ़ते टाइम, देखो कैसे उसका छीन लेता है या फाड़ देता है। अभी नहीं देगा तो गुस्सा देखना। आरू थोड़ा उधर हो जा, देखना। गुस्सा देखो, गुस्सा देखो हाँ हाँ, गुस्सा देखो, ये गुस्सा देखो। अरे बाप रे, कहाँ गया है गुस्सा दिखाने? अरे बाप रे, ऐसे कौन गुस्सा होता है लड्डू? फिर जा रहा है फिर गुस्सा दिला दे यार, फिर दिला दे इसको गुस्सा। कभी तो लौट जाता है ये। कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे राजमा जो है वो बन गया है और भाभी मतलब ज़्यादा कुछ डाली नहीं है इसमें, मतलब मसाला वगैरह है भाभी, हल्का फुल्का प्याज टमाटर डाल के। पर मुझे पता है फिर भी टेस्टी बनेगा क्योंकि भाभी का खाना ऐसे ही हमेशा टेस्टी बनता है, चाहे वो कुछ डाले या ना डाले। और यहाँ पे राइस भी रेडी है और अपने साइड से ना बहुत सारा देती है क्योंकि उसको जितना भी लेना सब छोड़ देता है, इसलिए हम ऐसा देंगे कि वो जितना छोड़ेगा तो वहीं पर कुछ तो खा ले। इसलिए आरू लो प्लेट तुम्हारी बेटा, आरू चलो बैठ जाओ। दोनों बैठ के दोनों टीवी देख रहे हैं और आज डोरेमोन भी देख रहा है लड्डू राम। वाह गाइस, लड्डू को इतनी तेज नींद लगी थी, भाभी जल्दी आओ, ये यहीं पे सो गया, इसको मैं ले जाके सुला देती हूँ। यार देखो पहली बार ऐसे कभी सोया, ऐसे कभी सोता है, इतना नींद में। अरे चलो मैं जल्दी जाती हूँ, इसको बोल रहा ये इतना ज़्यादा नींद में है कि यार पता ही नहीं चला, तभी शांत बैठ गया। वो तो निकाल दो, बीबी दिन भी नहीं निकला है उसका बेचारे, खाना खिलाते खिलाते सो गए। Yeah.
अभी हम उसको सुलाने के लिए इतना प्रयास करते तब जाके सोता और आज वो खुद से ही सो गया। गाइस ये रहा मेरा आज का लंच, आप देख सकते हो मैंने मतलब मुश्किल से 3 बाइट मैंने राइस लिया है, ठीक है, और राजमा सैलेड ज़्यादा लिया है बस। ये मेरा आज का लंच रहेगा। उससे पहले मैं पी रही हूँ 1 ग्लास गर्म पानी, इससे पहले मैंने ग्रीन टी लिया था बस। बाय प्रिया। अरे यार मेरे इसमें बारिश हो गई है क्या कैमरे में, बहुत गंदा आ रहा है। मैं जा रही हूँ अपने पड़ोसी के यहाँ घूमने। सो गाइस अब हम जा रहे हैं जिम, हम फ्रेंड के यहाँ से होके आ गए, हम वहाँ पे क्लिप नहीं ले पाए ब्लॉग, बट अब मैं जा रही हूँ जिम, तो मिलते हैं जिम में। हम आ गए हैं गाइस जिम और आज जिम थोड़ा खाली है क्योंकि बारिश हुई है। जिम से आने के बाद ना हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने मार के ना फेंक दिया हो हमें, लेकिन बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और जिस दिन ना करो ना वर्कआउट ना करो उस दिन ऐसा लगता है ना अपना कुछ खत्म सा हुआ जा रहा है। जल्दी से आ। तो क्या हो गया था, क्या हुआ था? अभी तक में देखा है बाप दे, मेरे बच्चा अभी तक में देखा, खेलने में बिजी था, अभी देखा है ना बच्चू। निकाल लो फिर बात करो। इसको स्वेटिंग हो रही बहुत ज्यादा, इसने भी जिम किया ना। जिम कियो बच्चों? जी हेलो कर दो, हेलो कर दो। ये क्या लगा है ये? हेलो कर दो सबको। गाइस ये यहाँ पे रो रहा है, अब तो मैं डालूंगी यहाँ पे। ये बन रहा है लौकी का चीला, पता नहीं क्या बनेगा क्योंकि भाभी नई नई चीजें ट्राई कर लेती बिना कुछ देखे। ओके क्योंकि पता है क्या है, बहुत ज्यादा ये गीला हो गया है, ठीक है, और मैंने इसमें बेसन कम रखा है और लौकी ज्यादा है और वो भी पानी सहित, क्योंकि वो किसने वाला मिला नहीं तो इसको हमें मिक्सर में करना पड़ा। मेरे को दो रोटी दे देती फिर। क्यों क्या प्रिया बोल सामने वहां लग नहीं रहा कि इसमें काम चलेगा मेरा। अच्छा बहुत हैवी है भैया, भैया बहुत हैवी है। अगर मैं झाड़ू लगा रही नाइट के लिए दूधी लौकी बहुत अच्छी, झाड़ू लगा रहा है, मैं बना रही हूँ। ये यहाँ पे हमारे झाड़ू वाले भैया आए हुए हैं। गाइस मैं इसको पलटाने की बहुत सॉफ्ट है, रीजन इसमें सिर्फ और सिर्फ लौकी ज्यादा है, बेसन की क्वांटिटी बहुत कम है तो ये बहुत सॉफ्ट है। तो ये ऐसे अगर मैं पलटाऊंगी ना तो नहीं पलटेगा, तो मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको दिखाती हूँ गिर जाएगा। भाभी मुझे लगा ही थी कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो खराब हो जाते हैं। देखिए यूनिट कितना अच्छा बना है, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा विदाउट घी ऑयल का। मैं जरा सा ना घी थोड़ा सा लगाना पड़ता है, थोड़ा लगा दी थी बट बहुत अच्छा बनता है। आप तो पूरा बेकार कर देते हो। गाइस हो गया हमारा डिनर और ये आप देख रहे हैं कल का काजल आज भी नहीं हट रहा है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। लड्डू यहाँ खेल रहा है बॉल, ये अकेले ही खेल रहा है। ये आरू रख दो फोन, चलो डिनर करो जल्दी से। और गाइज यहाँ हो रही बारिश तो फिर से लग रहा है ठंड हो जाएगी, कहीं कहीं तो ओले भी पड़ रहे हैं। अब क्या कैसा है मौसम आप बताना कमेंट करके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच। मैं चली फिर से वॉक करने, बाय बाय।